Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are preparing for KVS interview और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन वर्ड्स को. डिक्टेशन वर्ड्स के लिए सेपरेट वीडियो मैंने बोला था बनाने के लिए, और ये इसका मेन रीज़न तो यही है कि वो इंटरव्यू में डिक्टेशन वर्ड्स पूछते हैं और वर्तनी भी पूछी जा सकती है. हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे बताया था मैंने उज्ज्वल जैसे वर्ड हो गए, जो थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स होते हैं वो पूछ सकते हैं. ऐसे ही इंग्लिश में मैंने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं जो कि आ सकते हैं, और ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसके बाहर नहीं आएंगे. ये एक आइडिया है कि इस तरह से वर्ड आप याद करें और थोड़ा सा इजी भी रहेगा याद करना. इस तरीके से अगर आप देखेंगे, आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आस्क वन क्वेश्चन. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ईआई वर्ड्स की. तो ईआई वर्ड्स मैंने इनको नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये सभी वर्ड्स में अंडरलाइन भी किया है मैंने. ईआई आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ कन्फ्यूजन होती है कि कुछ वर्ड्स में आई ई आता है, कुछ वर्ड में ई आई आता है, तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये ईआई वाले वर्ड्स यहाँ लिए, आगे आई ई वाले भी होंगे. तो फर्स्ट है फारेनहाइट. हाइट, हाइट की स्पेलिंग एक ऐसी है जो सभी को पता होगी. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ एच ई आई जी एच टी हाइट, तो हाइट में ई आई आता है और फारेनहाइट के साउंड में भी हाइट आता है, फारेनहाइट. तो हाइट से आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि हाँ ई आई वाला वर्ड था, तो फारेनहाइट की स्पेलिंग में ई आई आएगा. तो ये कोई ट्रिक कह सकती हूँ मैं, या जो भी आपके माइंड में साइकोलॉजिकल होता है कि आपने कोई चीज़ देख ली. जैसे आप प्रेजेंटली इस फोटो को देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं. फॉरन है, रिसीव्ड है, सर्वेलेंस है, लेजर, एथीस, सोवेरेंटी, फारेनहाइट. तो ये सारे वर्ड हैं और ऊपर लिखा हुआ है ई आई, और यहाँ पर एक हाइट वर्ड मैंने स्पेशली लिखकर बताया है जिसमें ई आई आ रहा है. तो ये एक विजुअल आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएगा. जब भी आपको इन सभी वर्ड्स में से कोई पूछेगा कि हाँ लेजर बताओ, तो आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ एक पेज हमने ऐसा कुछ देखा था जिसमें हाइट भी लिखा था, तो ई आई आना चाहिए. बाकी इन स्पेलिंग्स में आई डोंट थिंक कि कुछ भी मुश्किल है, बस एक मेन चीज़ होती है इन्हीं की, ई आई ई आई ई आई, सभी में ई आई जो आ रहा है. तो वो एक माइंड में विजुअल बनना ज़रूरी था, स्पेशली ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है. तो आई होप कि मेरा पर्पस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एक एक स्पेलिंग तो ऐसे रटकर ही याद की जा सकती है. बस थोड़ा सा एक हेल्प हो सकती है माइंड को, वो यही है कि आप उसको विजुअली जो है इमेज दे सकते हैं. तो बाकी सारी स्पेलिंग तो आई डोंट थिंक कि डिफिकल्ट हैं, बस एक थोड़ी सी ट्रिकी ये है सॉवेरेंटी. सॉवेरेंटी की स्पेलिंग में फ्रेंड्स आई जो है बिल्कुल नहीं आता. आपने देखा होगा हम बोलते यहाँ पर आई जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा. वैसे तो एक स्पेलिंग्स क्रॉस चेक की गई हैं, बट अगर आप करना चाहें अपनी तसल्ली के लिए तो कर सकते हैं, बट इनमें स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी. सो यहाँ पर आई फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं आएगा. तो और भी बाकी सारी स्पेलिंग्स हैं, सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज सम आई ई वर्ड्स. आई ई वर्ड्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. अभी हमने ई आई वर्ड्स की बात की थी और ये हैं आई ई वर्ड्स. प्रोनंसिएशन में सेम रहती हैं बट स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है इनमें. तो फर्स्ट है लेफ्टिनेंट, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, जो आर्मी में पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट सब बोलते हैं, लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे लगे हुए हैं, बट एक्चुअल में स्पेलिंग होती है ये. तो इसको याद करने का एक तरीका है, ये लिखा मैंने यहाँ पर झूठ. तुम टेन चींटी. तो फ्रेंड्स आई डोंट थिंक कि इसके बाद आप कभी भी ये स्पेलिंग भूल पाओगे. झूठ होता है लाई, तुम मींस यू, टेन एंड चीटी इज आंट. सो यू विल नेवर डू दिस स्पेलिंग रॉन्ग अगेन. तो ये एक थोड़ी सी मेरे को ट्रिक पता थी इसकी, तो मैंने सोचा शेयर करना अच्छा रहेगा. तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग फ्रेंड्स आप कभी भी गलत नहीं करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट आके देखते हैं हायरार्की. तो ये आपको याद रहेगा कि हायरार्की जो था मिस्टीवियस, थर्टीएथ की स्पेलिंग फ्रेंड्स बिल्कुल हम कितनी बार यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड थर्टीएथ, बट इसकी स्पेलिंग बहुत ही कम बच्चों को जो है पता होती है.
तो कुछ ऐसी ही स्पेलिंग्स वो पूछते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की स्पेलिंग्स पूछी जा सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही 26 स्पेलिंग्स आप लर्न करें, आप इसके बियॉन्ड भी अपनी स्पेलिंग्स की प्रिपरेशन करके जाएं, उनको लर्न करके जाएं, ठीक है। ये ठीक है, लेफ्टिनेंट, हायरार्की, मिस्चीवियस और 30th, तो आपके माइंड में इमेज बन गई कि ये जो आई ई वर्ड्स हैं, आई ई और ये जो वर्ड्स है चारों एक साथ थे, तो ये आई ई वाले वर्ड्स हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसके लिए आप वीडियो देखने के बाद, जिस भी जो भी लोग ये वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स से पूछ कर देखना, 26 डिक्टेशन वर्ड्स का टेस्ट जरूर लेकर देखना, देखना उनकी कितनी स्पेलिंग्स ठीक होंगी, और आपकी ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी सही होंगी। आगे देखते हैं, मोस्टली मिस, ये कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड वर्ड्स मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम इनका प्रोनंसिएशन गलत करते हैं और उसी वजह से हम इनको लिखते भी गलत हैं। फर्स्ट है कर्नल, हम इसको कर्नल बोलते हैं कि कर्नल की पोस्ट होती है, अभी लेफ्टिनेंट की पोस्ट के बारे में बताया था, बट एक्चुअल में स्पेलिंग इज COLONEL, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है जिसको हम हिंदी में कर्नल बोलते हैं, कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, वैक्यूम बोला भी जा रहा है तो बच्चे गलत करते हैं इसको, क्या VACCUM, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि सी सिंगल आएगा, यू डबल आएगा, तो वैक्यूम की स्पेलिंग ये हो गई। नेक्स्ट इज प्रोनंसिएशन, मैं स्पेशली ये बता रही हूँ कि क्या गलतियाँ होती हैं और आप उनको सही करके कैसे लिखेंगे। प्रोनंसिएशन, तो प्रोनंसिएशन जो होता है उसमें होती मिस्टेक ये है, PRONOUN, नाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कई लोग और वो लिखते भी वही हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनंसिएशन होता है नन, ओके, NUN। नेक्स्ट इज निमोनिया, ओके, निमोनिया एक्चुअली ये डिजीज होती है, डिजीज की स्पेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी ही होती है, तो ये है निमोनिया, एंड निमोनिया की स्पेलिंग जो है वो पी से स्टार्ट होती है, बाकी तो ठीक ही है निमोनिया की स्पेलिंग, बस थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज मिलेनियम, मिलेनियम में एल भी डबल आएगा और एन भी डबल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिगरेट, CIGARETE, सिगरेट की स्पेलिंग जो है ये होगी, ठीक है, एक बार आप देख लोगे और सुन लोगे स्पेशली अगर, तो आपको खुद ही याद रहने वाली है स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेयर, ठीक है, क्वेश्चन पहले पूरा पूरा आ रहा है, उसके बाद नेयर अलग से है, हम क्वेश्चन नेयर में डबल एन लगाना भूल जाते हैं कई बार, तो क्वेश्चन नेयर की स्पेलिंग होगी ये। आगे देखते हैं बैचलर, बैचलर की स्पेलिंग बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी डिग्री के बारे में बता रहे हैं और अपने फुल फॉर्म बताइए, जैसे आपने बताया कि बैचलर इन आर्ट्स हैं आप, तो बैचलर की ही स्पेलिंग बाय चांस अगर वो लिखवा के देखें तो आपको पता होनी चाहिए। एटिक्वेट्स, ठीक है, एटिक्वेट जो बोलते हैं हम कि हाँ इसमें इतने एटिक्वेट्स वाला इंसान है ये, तो एटिक्वेट की स्पेलिंग होती है ये। एनिवर्सरी, ठीक है, हाइपो टेन यूज, ओके, इसको ब्रेक करके हम याद करेंगे तो अपने आप, हाइपो टेन यूज, हाइपोटेनियस, ओके। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव, जो कि बहुत ही ज्यादा मिसस्पेल्ड वर्ड किया जाता है। क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग में फ्रेंड सिंगल एम आता है और बहुत ही बच्चे करते हैं इसको गड़बड़, जिसमें क्यूमुलेटिव में डबल एम लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो भी होती है आपकी, तो दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग में सिंगल एम आता है। नेक्स्ट इज ग्रेटफुल, हमारे माइंड में छपी हुई है ग्रेट की स्पेलिंग GRETE, तो ग्रेटफुल हो गया, तो ये हो गया, नो फ्रेंड्स, ग्रेटफुल ये नहीं होता, ये वाला जो ई है ये भाग कर यहाँ चला जाता है, ठीक है, तो ग्रेटफुल इज GRATEFUL, ओके। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, आपने सोचा होगा मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्यों ली है, ये तो पता ही होगी, तो फ्रेंड्स ये मैथमेटिक की स्पेलिंग मैंने सिंगल नहीं ली है, इसी के साथ जोड़कर अर्थमेटिक भी लिया है, क्योंकि मैथमेटिक और अर्थमेटिक बोलने में सेम है बट स्पेलिंग्स देखिए, मैथमेटिक MATHEMATIC, और जबकि अर्थमेटिक बोलने में सेम आ रहा है बट यहाँ पर एक तो TH के बाद E नहीं आएगा, दूसरा M के बाद मैटिक की जगह वो MA की जगह ME हो जाएगा, तो आपने देख लिए ना ये माइन्यूट से डिफरेंट मैंने बोलकर बता दिए, तो आपने उनको सुन भी लिया, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और आपने उनको देख भी लिया तो आपकी आईज में भी विजुअली की इमेज जो बन गई है वो आपको ये स्पेलिंग आगे कभी भी गलत करने नहीं देगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन की बात की थी जो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो पूछने वाली हूँ, वो ये है कि मैंने इस वीडियो में दो स्पेलिंग्स हैं जो गलत लिखी हैं, आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो दो स्पेलिंग्स कौन सी हैं,
So, thanks for watching. Do share with your friends, subscribe, and drop your valuable comments in the comment section. Thank you so much.